हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, वाह, आपका मेरा सबका फेवरेट मोमो। जी हाँ दोस्तों, ये चाइनीज, एक और चाइनीज़ डिश की एक रेसिपी लेके मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए मेरे किचन की तरफ, मैंने इसे कैसे बनाया है आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। लजीज डिश, सबका फेवरेट। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है, एक कटोरी में डाल दिया है पानी। पानी गर्म होते हैं उसमें मैंने डाल दिया है सोया चंक्स। जी हाँ, आज मैं सोया चंक्स और कैबेज, कैरेट डाल के बनाऊंगी मोमोज। उसके बाद मैंने डाल दिया है पतीले में, ले ली मैदा, मैदा में डाला है हल्का सा नमक और उसे एक हार्ड डो गूथ के तैयार कर लूँगी। और इसको मैंने डाल दिया है पॉलीथीन में रख के थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में, ताकि ये हार्ड हो जाए, कड़क हो जाए, यूँ कहें। और इधर हमने प्रिपरेशन कर ली हूँ स्टफिंग की। उसके लिए हमने गाजर को क्रश कर लिया है कद्दूकस, उसके बाद कैबेज को भी कद्दूकस कर ली हूँ। ये देखिए, फटाफट से होता है ना, मेरा काम बिल्कुल फटाफट होता है दोस्तों। इधर हमने सोया चंक्स को गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी से धो दिया है और इसे बढ़िया से निचोड़ के, पानी बिल्कुल निचोड़ दूंगी। और इधर मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ देने से ये होता है ना दोस्तों, इसके पानी निकल जाते हैं। और इधर हमने बारीक कर दी हूँ लहसुन की कलियों को, कट कर ली हूँ। और ये सोया चंक्स, हरी मिर्ची और लहसुन की कलियों को हल्का दरदरा पीस ली हूँ, यूं कहे क्रश कर ली हूँ। इधर हमने डाल दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में गया लहसुन और दो हरी मिर्च कटा हुआ। फिर ये जो मैंने सोयाबीन को क्रश किया था ना, उसको फ्राई कर लूँगी। मुझे नहीं लगता है दोस्तों आपने इस तरह से बनाया होगा, एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और इधर मेरा ये जो है ना, जितना पानी निकलना था वेजिटेबल से निकल गया, इसको मैं एक कपड़े में डाल के बढ़िया से पानी निचोड़ लूँगी, ताकि ये बिल्कुल सूखा लगे और स्टफिंग करने में आसान हो। उसके बाद उसमें डाल दी हूँ धनिया की पत्ती और उसे अच्छी तरह मिला लूँगी। और इधर हमें सोयाबीन में लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल के फ्राई कर लूँगी। इसका जो वो है ना गीलापन, उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना, ताकि स्टफ करने में आसानी हो। और इसे फटाफट से चला के सारे मसाले को मिला लूँगी। तो किन किन दोस्तों को पसंद है मोमोज, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मोमोज बन रहा है तो चटनी तो बनेगी ना दोस्तों। इसके लिए हमने ले लिया है मिक्सी का जार, उसमें दो टमाटर को मैंने कट करके डाल दी हूँ और तीन चार कश्मीरी लाल मिर्च को हमने गर्म पानी में डाल के उबाल लिया था। और उसके बाद इसमें डालूंगी ढेर सारा लहसुन। जी हाँ फ्रेंड्स, लहसुन चाइनीज डिश का तो मेन शान होती है। बस इन्हीं सारी तीनों चीज़ों को मिला के पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पेस्ट हमने बना लिया है। और हाँ, बहुत से लोग ना टोमेटो को भी बॉयल कर लेते हैं, लेकिन मैं कच्चा ही बनाई हूँ। देखना आप लोग इसे बना के, ज़रूर बढ़िया लगेगा। इधर हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल गर्म होते मैंने ये चटनी जो बनाया था ना टमाटर की, उसको डाल दी हूँ तड़के के लिए। और इसका ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बल्कि हल्का थोड़ी देर पकाना है। मोमोज की मेन जान तो चटनी होती है दोस्तों, एक बार ज़रूर मेरी तरह ट्राई कीजिएगा। और इसमें कुछ कमी होगी तो बताना फ्रेंड्स। इसमें डाल दिया हमने स्वादानुसार नमक, ताकि मैं अगले वीडियो में इसे सुधारने की कोशिश करूँगी। उसके बाद इसमें डाली हूँ मैंने एक चम्मच विनेगर। वाह, ये गया विनेगर और ये गया सोया सॉस। बहुत से लोग अजीनोमोटो डालते हैं, लेकिन क्या करना है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा खट्टा मीठा का स्वाद आने के लिए टोमेटो केचप, इससे कलर भी मस्त आता है और स्वाद तो ज़बरदस्त रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रही थी ना, बहुत से चाइनीज डिश में अजीनोमोटो ज़रूर डालते हैं, लेकिन किस लिए डालना है, जब घर में बनाना है तो क्यों ना सेहत को ध्यान में रखा जाए। बाहर में तो लोग डालते ही हैं, इसलिए मैंने अजीनोमोटो का यूज़ नहीं किया है। ऊपर से डाल दी हूँ मैं पास्ता मसाला, मेन जो आइटम होता है, और दो चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दी हूँ। एक बार पास्ता या मैगी मसाला होगा ना आपके पास, तो ज़रूर डाल के देखना, बिल्कुल मोमोज की चटनी जैसा, मार्केट जैसा स्वाद आएगा। बस इसी स्टेज में गैस को बंद कर देनी है। और इधर मैं ये स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ। ये जो कैबेज, कैरेट और ये सोयाबीन जो मैंने पीस के रखा था ना, उसमें भी डाल दी हूँ थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा टोमेटो केचप और एक चम्मच विनेगर। इन सारे चीज़ों को डाल के मिला लूँगी, स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और ये ज़बरदस्त मसाला बन के मेरा रेडी हो चुका है। अब चलिए चलते हैं आटे की तरफ, आटे को देखा जाए वो कैसा है। तो ये आ गया मेरा फ्रीजर से आटा, इसको अच्छी तरह मिला लेनी है। और उसके बाद छोटी छोटी लोई कहे, पेरे कहे, आपकी मर्जी है, उसको तोड़ लेनी है। आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है आपकी मर्जी है ना, हर चीज़ बताना उचित नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, मैं तो थोड़ी छोटी बनाऊंगी, देख रहे हैं रफ्तार कितना तेज़ है ना,
लेट जो हो रहा है, फटाफट से आप पूरी बना लो, 5-10 पूरी बना लो, उसके बाद स्टफिंग की तैयारी कर लेना। ये देखिए देसी जुगाड़, अगर आपके पास मोमोज बनाने वाली बर्तन नहीं है ना तो इसी तरह देसी जुगाड़ करते रहिए। ये दूध छानने वाली छन्नी है ना, उसके ऊपर डालिए, हल्का सा घी लगाइए ताकि मोमोज चिपके नहीं। कुशल गृहिणी हो दोस्तों, हर चीज़ का उपाय रखती हूँ अपने पास। और ये देखिए मैं स्टफिंग करनी शुरू कर दी हूँ, बिल्कुल मैंने गोल गोल ही बनाया है, चूँकि मुझे अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था जो मैं थोड़ा अलग हटके भी शेप दे सकती थी। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा डिजाइन। इसी तरह सारे पूरी में आपको ये स्टफिंग भर लेनी है और मोमोज का शेप दे देना है। और हाँ दोस्तों, मैंने पूछा है आपसे किन किन लोगों का फेवरेट है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप लिखना, इसमें कुछ कमी हो वो भी बताना। और हाँ दोस्तों, इस प्लीज़ फुल वॉच करना, और मेरे चैनल से अगर जुड़े हुए नहीं है तो जुड़ लेना। मैं बार बार आपको ये बात बोलती हूँ और बोलती रहूँगी जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे। मेरा एक राउंड का लगभग बन के रेडी हो चुका है। हमने डाल दिया है गैस पर कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है पानी, और पानी को बॉयल होने के लिए मैंने ऊपर से थाली डाल दिया था जिससे जल्दी से पानी गर्म हो जाए। उसके बाद ये देखिए दूध की छन्नी, देसी नुस्खा। ज़रूरी नहीं आपको स्टीमर ही चाहिए जिससे मोज बना जा सके, आप घर में जो चीज़ उपलब्ध है उससे बना के देखिए कितना मज़ा आता है। ये देखिए लग रहा है ना गजब मार्केट जैसा। तो क्यों ना घर पर ही ट्राई किया जाए मोमोज, ज़रूरी नहीं है डेली बाहर से खाने की। कम खर्च में ढेर सारा घर पे बनाइए और इंजॉय कीजिए। मेरी तब चटनी भी बन के रेडी हो चुकी है और इधर ये भी स्टीम हो चुका है, बिल्कुल कच्चा नहीं है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, पकने का ध्यान रखना, करीब 15 मिनट तो लग जाते हैं पकने में, कच्चा नहीं उतारना, नहीं तो ये लेने की देने पर जाएंगे। ये देखिए कलर देखिए चटनी का कितना खूबसूरत है ना, और खाने की तो बात ही अलग है। जिन जिन दोस्तों को खाना है आ जाइए मेरे पास, गर्मा गर्म मोमोज खिलाती हूँ मैं। फिर मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए बिल्कुल पका हुआ लग रहा है ना, बिल्कुल अंदर तक पका हुआ है, वाह सुपर।